सैमसंग ने इंटरनेशनल मार्केट में अपना प्रोडक्ट बढ़ाते हुए गैलेक्सी ए सीरीज में दो नए सस्ते स्मार्टफोन को पेश किया गया है। कंपनी की ओर से सैमसंग गैलेक्सी A12 और सैमसंग गैलेक्सी A02 ऑफिशियल तौर पर पेश किए गए हैं, जो आने वाले दिनों में अलग अलग डेट में इंडिया समेत सभी देशों में देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम सैमसंग गैलेक्सी A12 के बारे में बात करेंगे, जानेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में और इसके इंडियन प्राइसिंग के बारे में। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सैमसंग गैलेक्सी A12 की अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस आपको TFT इन्फिनिटी वी डिस्प्ले पर लॉन्च किया गया है। जनरली सैमसंग अपने फ़ोन में AMOLED या सुपर AMOLED डिस्प्ले को ही यूज़ करती है, जो कि सैमसंग के फ़ोन का USP रहता है, बट इस डिवाइस में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये सैमसंग की तरफ से डाउनग्रेड ही है। खैर, अगर प्रोसेसर की बात करें तो ये 2.3 GHz क्लॉक स्पीड वाले ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ रन करेगा। फिलहाल फ़ोन में चिपसेट की डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन लीक्स में यही निकल के आ रहा है कि गैलेक्सी A12 स्मार्टफोन में आपको MediaTek Helio P35 चिपसेट के साथ मार्केट में आने वाला है। वहीं इसके रैम और स्टोरेज की बात करें तो कंपनी की तरफ से आपको तीन वेरिएंट देखने को मिलेगा। 3GB रैम और 32GB का इंटरनल स्टोरेज, 4GB रैम प्लस 64GB का इंटरनल स्टोरेज, 6GB रैम प्लस 128GB का इंटरनल स्टोरेज। वहीं अगर कैमरे की बात करें तो यह क्वाड रियर कैमरा के साथ आएगा, जिसमें आपको 48MP का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसके साथ आपको 5MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी देखने को मिल जाएगा, और आपको 2MP का मैक्रो लेंस और 2MP का आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट में आपको 8MP का कैमरा दिया जाएगा। तो प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो कैमरा आपको इसमें अच्छा देखने को मिल जाता है, और ख़ास बात है कि इसमें आपको सिक्योरिटी के लिए आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। फ़ोन की पावर बैकअप की बात करें तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी दिया गया है, लेकिन इसमें जो आपको चार्जर मिलेगा वो 15W का दिया जाएगा, जो कि उतना फास्ट चार्ज नहीं होगा। खैर, अगर प्राइसिंग की बात करें तो इसका बेस मॉडल आपको 15000 के बजट में देखने को मिलेगा, और 15000 में सैमसंग ने किस एंगल से AMOLED डिस्प्ले को यूज़ नहीं किया है ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, और प्रोसेसर भी उतना खास नहीं दिया गया है। तो आप अगर सैमसंग लवर नहीं है तो आप इस फ़ोन को ज़रूर स्किप करें, आपको इस प्राइस रेंज में इससे बेटर स्पेक्ट्स देखने को मिल जाता है। तो ये था सैमसंग गैलेक्सी A12 से रिलेटेड इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस और इसके इंडियन प्राइसिंग। वैसे आपको क्या लगता है कि सैमसंग अगर इस प्राइस रेंज में इस स्मार्टफोन को लेकर आती है तो ये आपके हिसाब से वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है या नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।